करना ये क्या करना जी सर, ये घर में था, तकरीबन घर से कोई 10-15 मीटर दूर था भेड़ बकरी के पास। जब सुबह पाकिस्तान ने फायर किया था और हमने जो अपनी भेड़ बकरी है वो करीब रखी हुई थी, हम 4-5 आदमी घर में काम कर रहे थे, बकरी तकरीबन घर से 15 या 20 मीटर की दूरी पे थी। जब अचानक फायर हुआ तो हम भी अंदर भागे, बच्चा भी अंदर भागा, तो भागते भागते इसको जो है पाकिस्तानी ने ज़बरदस्त शेलिंग शुरू की हुई थी और इसकी टांग में जो है गोली लगी या के स्प्लेंडर है क्या है, अभी जो डॉक्टर हजरात है वही देखेंगे क्या लगा हुआ है, गोली है या स्प्लेंडर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से बच्चा जो है वो ज़ख्मी हो गया। ज़बरदस्त शैलिंग जो है पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके में की है, हमारे घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ जो है वो टूट फूट चुके हैं। तो हम बहुत परेशान हैं सर, बॉर्डर के लोग हैं जो फेंस के, खासकर फेंस के जो आगे हैं, ना तो वहाँ पे कोई हमें गाड़ी की सहूलत है ना और कोई सहूलत है, तो हम बहुत परेशान हैं जो बॉर्डर के इसके फेंस के उस पार सर। ये एक 15 साल का बच्चा हमारे पास आया है, इसकी लेफ़्ट लेग में बिल्कुल नीचे इंजरी है, अभी हम इसको स्टेबलाइज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, ड्रेसिंग हो रही है, इसके बाद एक्सरे करवाएंगे तो फिर फर्दर देखेंगे क्या करना है। एक ही पेशेंट आया, ये गंती मंदार का लड़का है, इसकी उम्र 16 साल है, जहांगीर है इसका नाम है और बाप का नाम है कबीर। इसकी लेफ़्ट टांग में ज़ख्म है और हड्डियों के डॉक्टर ने देखा है, अब उसने एक्सरे एडवाइज़ किया और एक्सरे करके हम देखेंगे कि अंदर कोई बुलेट है या क्या है, वो एक्सरे से ही पता चलेगा और हड्डी की क्या पोजीशन है वो भी एक्सरे के बाद में मालूम पड़ेगा।